गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स वेलकम टू यूअर मैथ्स क्लास स्टूडेंट्स टूडे वी विल कंटिन्यू आवर फोर्थ चैप्टर दैट्स नेम इज पार्ट्स एंड हॉल्स सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मंजू अपने चॉकलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अपने फ्रेंड्स के बीच करती है और जो हैड्स हमें दी जाती है उनको किस किस रेशियो में हम लोग कलर करते हैं चलिए तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर दिया है पैटर्न्स इन पार्ट्स क्वेश्चन क्या है मेक डिफरेंट पैटर्न बाय कलरिंग सम स्क्वेयर्स इन द ग्रीड बी सी डी नीचे कुछ ग्रिड्स दिए बी इधर सी है और नीचे यहाँ पर डी है इधर ठीक है ग्रिड्स दिए गए हैं जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बनाने हैं और कुछ कलर का यूज़ करना है ठीक है वट पार्ट ऑफ द ग्रिड डिड यू कलर आपने कितने पार्ट को कलर किया है वट पार्ट ऑफ़ द ग्रीड रिमेनिंग वाइट राइट और कितना पार्ट उसमें वाइट बच गया है वो हमें लिखना है तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है ए में हमें यहाँ पर जो ग्रिड दिया है उसमें से कुछ को पैटर्न बना करके कलर कर दिया गया है ठीक है ये कलर किया गया है फिर देखिए जो कलर वाला पार्ट है ये लिखा है एट बाय सिक्सटीन ब्ल्यू पार्ट है ठीक है और जो हमारा वाइट पार्ट है वो है एट बाय सिक्सटीन ठीक है चलिए तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं तो हमें पैटर्न बनाना है चलिए पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं ठीक है जब आप बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं है आप मेरे ही पैटर्न को फॉलो करें आपके माइंड में अगर कोई और पैटर्न है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं ठीक है जी आप पैटर्न बनाए कल जब आप कलरिंग करेंगे तो आप अच्छे से करेंगे उसको कलरिंग ठीक है लीजिए मैंने ये जो है ऐसे करके ये पैटर्न ऐसे करके ये बना दिया ये ये वाले रो जो है मैंने यूज़ कर लिए फिर इस वाले को हम ब्लैंक छोड़ देंगे फिर सेकेंड वाले को इसको यूज़ कर लेते हैं ठीक है इसी तरह इस वाले को हम ब्लैंक छोड़ेंगे और इस वाले का हम यूज़ कर लेते हैं ठीक है जी ये लीजिए ये हो गया ये लीजिए अब देखते हैं कितने पार्ट को हमने कलर कर दिया कितने बॉक्सेस में हमने कलर किया चलिए काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट पार्ट को हमने कलर कर दिया है और टोटल पार्ट कितने हैं ये कलरिंग वाले तो एट हो गए टोटल किन लेते ले हैं एट से आगे नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन यानी कि एट बाई सिक्सटीन हमारा आंसर है एट आउट ऑफ सिक्सटीन एट पार्ट जो है वो हमारा किस कलर में हो गया ग्रीन कलर में हो गया ठीक है तो अगर सिक्सटीन में से एट पार्ट जो है ग्रीन कलर हो गया है तो हमारा रिमेनिंग पार्ट यानी कि जो वाइट पार्ट है वो कितना होगा वो भी एट ही होगा क्योंकि एट और एट सिक्सटीन होते हैं ना तो ये वाला हमारा हो गया वाइट पार्ट ठीक है तो ये हो गया हमारा एट बाई सिक्सटीन जो है ग्रीन कलर में हो गया एट बाई सिक्सटीन जो है वाइट हो गया फर्स्ट वाला हो गया हमारा सेकंड वाले में चलिए सेकंड वाले में हम पैटर्न बनाते हैं और पैटर्न बनाने के लिए इस बार हम क्या करते हैं इस वाली पूरी कंप्लीट रो का हम यूज़ कर ले रहे हैं और इधर से इस वाली कम्प्लीट रो का यूज़ कर ले रहे हैं और यहाँ से ये वाला बॉक्स ले लिया और यहाँ से जो है मैंने ये वाला बॉक्स ले लिया ठीक है तो ये हमने पैटर्न का यूज़ किया है ये सारे कलरिंग की हैं ये सारे कलरिंग की हैं इधर से और इधर से ठीक है ये यूज़ किया है ये एक पैटर्न बनाया है मैंने चलिए देखते हैं किस पैटर्न में कितने बॉक्सेस को मैंने पिंक कलर किया है तो काउंट करते हैं इसको लीजिए वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन को मैंने जो है कलर कलर कर दिया है पिंक और टोटल कितने हैं टेन तो ये हो गए तो एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन आउट सिक्सटीन ठीक है टेन को हमने कर दिया पिंक कलर अब जब टेन आउट जो है पिंक कलर के हो गए सिक्सटीन में से तो कितने बचे जो कि वाइट हैं तो वो हमारे बचे वाइट वाले सिक्स बाई सिक्सटीन ठीक है तो ये हो गया चलिए ये वाला पैटर्न भी हमारा कंप्लीट हो गया है अब नेक्स्ट वाले पैटर्न नेक्स्ट वाले फ़िगर पर चलते हैं अब नेक्स्ट जो है हम लोगों को यहाँ पर ये डी फिगर दी गई है चलिए अब इसको कलर करने के लिए हम क्या करते हैं अब इसमें एक अलग से पैटर्न बनाते हैं जिसमें हम इनको कलर कर दे रहे हैं ठीक है ये लीजिए ये कलर कर दिया हमने और इसको कलर करने के बाद इसको जोड़ने के लिए हम इन स्क्वेयर्स का यूज़ कर ले रहे हैं ठीक है ये हो गया अब जो है इसके लिए एक और ये वाला भी यूज़ कर ले रहे हैं और ये वाला भी यूज़ कर ले रहे हैं ठीक है हो गया ये हमने एक पैटर्न बना लिया है और अब हम काउंट करेंगे कि हमने जो है कितने पार्ट में कलर किया है चलिए तो काउंट करते हैं काउंट करने के लिए ये लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व ट्वेल्थ पार्ट में जो है मैंने ब्लू कर दिया है और ये टोटल पार्ट कितने दिए सिक्सटीन ये लीजिए ब्लू कर दिया है। ठीक है ट्वेल्थ पार्ट में मैंने ब्लू कलर किया है आउट ऑफ सिक्सटीन तो जब ट्वेल्व पार्ट ब्लू हो गए आउट ऑफ सिक्सटीन तो कितने पार्ट बचे हमारे पास वाइट वाइट बचे हमारे पास फोर तो फोर बाई सिक्सटीन जो है हमारे पास कौन से है वाइट है ठीक है तो ये हो गया चलिए अब नेक्स्ट वाले पर चलते हैं ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया है uh, कहा है लुक एट ग्रीड ए अगेन इज़ ग्रिड कलर्ड कहा है कि जो ग्रीड ए दिया है उसको दोबारा से देखिए क्या उसमें इस तरीके से कलर किया गया है ए वाले के लिए जो है ये दिया है ए वन बाय टू ब्लू एंड वन बाय टू वाइट क्या ये सही है या नहीं फिर बी है इसका टू बाय फोर ब्लू टू बाय फोर वाइट तो कौन सा आंसर है हम चेक करेंगे थ्री बाई एट ब्ल्यू फाइव बाई एट वाइट फोर बाई एट ब्ल्यू फोर बाई एट वाइट और मार्क क्रोस ऑन द रोंग आंसर जो इनमें से रोंग आंसर है उस पर हमें जो है रोंग का मार्क लगाना है चलिए तो हमें जो दिया गया है ए पोर्शन में ये दिया है एट बाय सिक्सटीन और एट बाय सिक्सटीन दोनों ही चलिए एक मिनट एट बाई सिक्सटीन जो दिया है आ, हमें दिया है एट बाय सिक्सटीन ब्लू और एट बाई सिक्सटीन वाइट अब हमें चेक करना है हमारा आंसर कौन सा ठीक है चेक करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपस में अगर कट होते हैं किसी टेबल में कॉमनली आते हैं वो तो हम उसको कट कर देंगे किसी टेबल में आते चलिए ये एट है ये सिक्सटीन है एट की टेबल में सिक्सटीन आता है एट वन जाट एट टू सिक्सटीन कट कर देते हैं एट वन जाट एट टू जिक्सटीन तो ये पार्ट कितना निकला हमारा वन बाई टू पार्ट ठीक है अब ऐसे ही एट वन जहाट एट टू जै सिक्सटीन जो वाइट वाला पार्ट है वो भी हमारा कितना है वन बाय टू यानी कि हाफ पार्ट जो है इसका ब्लू कलर का है और हाफ पार्ट जो है इसका वाइट है ठीक है अब कहा जो हमारा राइट आंसर तो हो गया ये हाफ ब्लू हाफ वाइट अब कहा जो आंसर गलत है इसमें उस पर आपको रोंग करना है ये लीजिए ये जो तीनों ऑप्शन थे ये हमारे रोंग हैं ओनली जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है समझ आया जी चलिए नेक्स्ट वाले पर चलते हैं नेक्स्ट में कहा है ड्रो ग्रिड्स ऑफ सिक्सटीन स्क्वेयर्स एंड मेक पैटर्न्स विद कहा है एक सिक्सटीन स्क्वेयर का एक ग्रिड बनाइए चलिए बना लेते हैं पहले ग्रिड ठीक है लीजिए ये सिक्सटीन है या नहीं ये काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सिक्सटीन है यानी कि जैसा कहा हमने वैसा कर लिया है सिक्सटीन इन्होंने कहा इसका टू बाई एट जो है रेड करना है वन बाई टू येलो करना है और वन बाई फोर ग्रीन करना है अब सबसे पहले कहा इन्होंने टू बाई एट को जो है रेड करना है अब टू बाई एट किसका इन सिक्सटीन स्क्वेयर्स का जो ये बोले हैं इन सिक्सटीन स्क्वेयर्स का लीजिए तो निकाल लेते हैं सिक्सटीन स्क्वेयर का ठीक है अब वापस से हम लोग वही करने वाले हैं अगर ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में अगर कट होते हैं तो कट कर देते हैं नहीं तो ये साइड में जो दिया है उससे हम इसको कट कर सकते हैं लीजिए टू वन जा टू हो गया और टू फोर जा एट हो गया ठीक है अब देखिए ये अब हमारा जो आया है ये ये है वन बाई फोर इंटू सिक्सटीन ऐसा करने के बाद अब देखिए इस फोर से हम सिक्सटीन को कट कर सकते हैं सिक्सटीन आता है फोर के टेबल में तो लीजिए फोर वन जा फोर 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 जा सिक्सटीन अब यहाँ पर वन है यहाँ पर फोर है बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम क्या करेंगे फोर वन जा फोर यानी कि इस ग्रिड के जो है फोर पार्ट को हमें रेड कलर करना है लीजिए तो हम इसके फोर पार्ट्स को जो है रेड कलर कर देते हैं ये लीजिए हमने इसके फोर पार्ट को जो है रेड कलर कर दिया है ठीक है अब नेक्स्ट कहा है इसके वन बाय टू पार्ट को वन बाय टू पार्ट को येलो करना है वन बाय टू पार्ट का मतलब आप जानते हैं कि उसका हाफ वन बाई टू का मतलब होता है हाफ़ किसका हाफ़ सिक्सटीन का सिक्सटीन का हाफ़ क्या होगा एट होगा टू वन जा टू टू एट जा सिक्सटीन और एट वन जा एट यानी कि एट पार्ट को हमें क्या करना है येलो कलर करना है ये लीजिए इसके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब कहा इसके वन फोर्थ पार्ट को ग्रीन कलर करना है लीजिए वन फोर्थ पार्ट किसका सिक्सटीन ग्रेड्स का ये लीजिए सिक्सटीन ग्रेड कर दिया फिर से कट करेंगे फोर वन जा फोर 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 जा सिक्सटीन और वन फोर जा फोर यानी कि फोर ग्रेड ऐसे हैं जिसको हमें फोर बॉक्सेस को ग्रीन कलर करना है ये लीजिए ये फोर बॉक्सेस को हमने ग्रीन कलर कर दिया है ठीक है जी समझ आया हाँ अगर आपको समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं ठीक है जी चलिए स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ आया होगा इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क यू कैन कमेंट आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय टेक केयर